ठीक है गाइस, पिछले बार हमने ये पार्ट 17 बनाया था और इस बार मैं आप लोगों को एक बार इसे कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए। सो थोड़े से चेंजेस क्या है कि ये देखिए, सिर्फ ये जो पेड है ना, पेड को मैंने सिर्फ बड़ा कर दिया, बाकी चेंजेस नहीं है। पेड को इसी उसके हिसाब से मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, बाकी चेंजेस नहीं है। अभी चेंजेस करने हैं इस सीन में। देखिए ये इसे टकरा रहा है ना, सो टकराएगा ना तो यहाँ पे ना एनिमेशन होगा अच्छा खासा कैमरे का। सो यहाँ पे मैं इंसर्ट की फ्रेम और वापस से ये एनिमेशन 80 तक जाएगा। इंसर्ट की फ्रेम और मैं राइट क्लिक करके क्लासिकल पिन दे देता हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली हमें कैमरा टूल लेना है और ये जूम इन करवाना है। और ज़मीन से देखिए ये ना हमें रोटेट भी करना है थोड़ा सा। सो यहाँ पे मैंने रोटेट टूल ले लिए इस तरह से और ऐसे रोटेट कर दिया थोड़ा सा, दिख रहा है, बाद में नॉर्मल हो गया। और एक बार यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम कर लेते हैं और यहाँ हम लोग क्लासिकल ट्विन और ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, रोटेट तो करेंगे लेकिन जूम इन भी करेंगे थोड़ा, ठीक है। ठीक है, देखिए एंटर दबा रहा हूँ मैं और ये ओके। सो एक बार कंट्रोल एंटर करके देख लेते कि कैसे इफेक्ट आ रहा है, और ठीक लग रहा है तो रखेंगे, नहीं तो हमें थोड़े चेंजेस कर लेंगे। ओके, जो हेयर ऑन है ना उसका एनिमेशन थोड़ा सा हमें करना होगा, जैसे कि यहाँ पे अंदर जाते थोड़ा ये जो एनिमेशन है टकरा गया। उसके बाद इंसर्ट की फ्रेम और इंसर्ट की फ्रेम क्लासिकल ट्विन यहाँ पे दे देता हूँ मैं, और इसे हम लोग थोड़ा ऐसे नीचे कर देते और इसे रोटेट भी कर देते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा फास्ट भी कर लेते हैं, ये फिर स्लो। एक्चुअली बाहर ही आता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे। इसे हम इस यहाँ तक लेके आते हैं। अभी ठीक लग रहा है, ये कर लेंगे लास्ट में और उसके बाद ये एनिमेशन आएगा। सो ये हमें सीन भी बनाना होगा। सो यहाँ पे आते हैं, ये पार्ट 17 हो गया। प्लीज़ डाउनलोड माय पिक्टोस परफेक्ट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखी रखी है। प्लीज़ उसे शेयर भी कीजिए और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट वाला कैरेक्टर शायद से इसके बाद है 10th में। हाँ ये, सो ये लेना है हमें, ये ओपन कर लेते हैं। सो पीछे जो बैकग्राउंड वगैरह है वो कम ज़्यादा कर लेंगे ना। ओके, सो इसे मैं फाइल सेव एज कर लेता हूँ। ये होगा पार्ट 18। सो 18 हो गया और इसके अंदर हमें चेंजेस करने होंगे बहुत सारे। पहले तो हमें क्रैब नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो है ये नहीं चाहिए हमें, ये हटा दिया हमने। बैकग्राउंड को हमें ये बीच में ऐसे रख दिया हमने और नज़दीक लेके आना होगा। सो आज जो ये फिर साइड का जो है सीन दिखा, तो देखिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि दिखाना है, इस तरीके होगा ना, तो ये सब कुछ बड़ा बड़ा हो दिखाई देगा इस तरीके से। पहले मैं प्रीवियस वाला जो सीन था वो भी ओपन कर लेता हूँ, जो कि 17 था। मेरी उसमें जो थोड़ा माहौल था उसके हिसाब से हमें भी दिखाना है ना, तो इसलिए वो वाला भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिए ये दो हैं, उसके साथ साथ बैकग्राउंड जो है
या फिर ये देखिए स्टोन जो है उन्हें मैं या फिर ये पूरा का पूरा मैं कॉपी ही कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसके जगह पे रख देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट वी। अच्छा वो उस तरफ चले गए सेंटर के हिसाब से। सो ये मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया और यहाँ पे है नहीं है। सो यहाँ पे नहीं है वो, लेकिन हम इस साइड रख सकते हैं, लेकिन ये दिखेगा ही नहीं वैसे भी। ठीक है ये जूम इन कर लेते हैं, देन ये और ये, सो ये यहाँ पे रख देते हैं और ये जो दिख रहे हैं ये दोनों उठा के यहाँ पे रख देते हैं एक, और ये भी लेते हैं ये यहाँ पे रख देते हैं। इसे मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। उसके बाद इसकी सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे करेंगे तो लगेगा कि ये अलग कुछ है और इसके बीच में गिरेगा वो। ठीक है और ये देखिए ये सब कुछ और नज़दीक नज़दीक लेके आना हमें यहाँ पे, क्योंकि यही सीन दिखाने वाले हम लोग। अभी इसे पहले हम लोग बाहर आते और बाहर आके ये जो भी कैमरा एनिमेशन था वो तो पहले निकाल देते हम लोग क्लियर की फ्रेम में। ओके उसके बाद हमें थोड़ा बड़ा करना होगा और कैमरा जूम इन करना है। सो सेव कर लेते एक बार, कैमरा जूम इन कर लेते हैं वो, ये दोनों इस तरीके से ऑन था तो कैमरा ले लेता हूँ मैं अभी। ठीक है सो शो फ्रेम कर लेते हैं तो देखिए इस तरीके से है। एक बार सिर्फ कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं स्टार्टिंग कैसे दिख रही है। ठीक थोड़ा ना इस तरफ ले लेते हैं हम लोग, और इसे थोड़ा और हल्का सा बड़ा करना होगा। ये ठीक है अभी हमें इसके अंदर जाके जो एनिमेशन है वो निकाल देना होगा। तो ये मैं सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके क्लियर पोज कर दिया पहले तो इसके अंदर कर दिया मैंने। अभी ये हो गया, पंखों के अंदर भी किया था हमने एनिमेशन तो वो भी निकालना होगा या फिर ये यहाँ पे ही रख देते और ये निकाल देते क्लियर की ऑप्शंस। और क्लियर की फ्रेम्स अभी भारत है। अभी हेड के अंदर जो भी एनिमेशन है वो हम निकाल देते या फिर देख लेते यूजफुल है यानी नहीं है फिलहाल तो। इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया क्लियर की फ्रेम्स, ये क्लियर हो गए सारे, आगे एनिमेशन नहीं है। सो एक्सप्रेशन तो खत्म हो गए, ओ आइस के अंदर है। सो आइस यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है देखिए क्लियर की फ्रेम, सर इसके अंदर भी है
नहीं है। सो ठीक है, भारत और इसे ना एक काम करते, इसे थोड़ा सा ना इस तरह से करेंगे ना, प्लस ये आईब्रोज तो ऐसे होने चाहिए कि वह मैगी तो गिर गया। ठीक है, तो वो मैच करने के लिए हमें और एक काम करना होगा, ये जो इसके अंदर जाके हमें ये आंखें भी इस तरीके से करनी होगी। थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ इस तरीके से, ये ऐसे ही रख देते हैं। तो स्टार्टिंग की एक्शन वो गिरेगा ऊपर से। ठीक है, सो इससे हम पहले ही की फ्रेम पे ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और उसके पैर जो है ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद वो गिरेगा ना ऊपर से, तो थोड़ा सा क्या करेंगे हम, यहाँ पे पॉज रख देंगे 10 से शुरू करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे इंसर्ट पोज, वापस से इंसर्ट पोज, और गिरेगा तो जल्दी गिरेगा। सो इंसर्ट पोज, और यहाँ पे हमें क्या करना है इस तरीके से ऊपर करवाने, ये भी एक्चुअली मूव नहीं हो रहे हैं, तो इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। देखते हैं नज़दीक जाके, और रिगिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, तो ठीक है फिर भी से नीचे गिरेगा ना तो इस तरफ क्या होगा, ये थोड़ा ऐसे इस तरह से गिरेगा। देखिए सो 10 से लेके अगर नीचे गिरता है, देखिए यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम 20 तक, इंसर्ट की फ्रेम क्लासिकल ट्विन, यहाँ पे हम लोग -100 करते हैं या फिर 60, और उसके बाद एनिमेशन जो है वो इस तरीके का होगा जो बैठ जाएगा। सो दोनों पैर ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, सिर तो हिलना चाहिए था लेकिन हिल नहीं रहा है। सो मैं जरा ट्रांसफॉर्म टूल लेके देखता हूँ क्या गड़बड़ हुई है इसके, क्यू दबा के ये ठीक ही लग रहा है, तो रिगिंग में कुछ गड़बड़ आई होगी, करते समय मैंने टेस्टिंग किया नहीं होगा अच्छी तरह से। ठीक है, बाद में देख लेते हैं। तो ये गिर गया और यहाँ पे और एक बार मैं ऐसे कर देता हूँ, अभी बाहर आते हैं और बाहर आते हैं। देखिए गिर गया तो उसके बाद 30 तक हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट की फ्रेम क्लासिकल ट्विन, और इसे और एक नीचे लेकिन इस तरीके से होगा, और यहाँ तक इंसर्ट की फ्रेम
और इस तरीके से नीचे गिर जाएगा। क्लासिकल ट्री। सो एक काम करते, ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं, और बाद में ये गिर गया और ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए तो उसके बाद क्या होगा, जो सीन है और जुमीन होगा। देखिए, ठीक है, यहां से 40 से वो आंखें ओपन करेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, यहां से 45 से 40 से आंखें ओपन करेगा। सो यहां से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर ली इंसर्ट की फ्रेम करके, और ये बड़ा कर दिया ऐसे। क्लासिकल क्वीन, यहाँ पे पूरा इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम और 40 में ना इंसर्ट की फ्रेम, यहाँ पे भी इंसर्ट की फ्रेम, यहाँ पे एक्सप्रेशन देगा वो क्लासिकल ट्विन, और ये देखिए ऐसे एक्सप्रेशन देगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ऐसे फनी। और ये जो है ऊपर कर देगा, चलिए ज़्यादा ही नज़दीक हो रहे हैं, ये ठीक है। ऑल सेलेक्ट करके मैं थोड़ा ऊपर ही ले लेता हूँ, इस टाइम पे कैमरा जूम इन होगा 35 से, जूम इन कर लेते हैं यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, और यहाँ पे हम एनिमेशन नहीं करेंगे वैसे, सिर्फ डायरेक्टली जूम इन कर देंगे थोड़ा इस तरीके से, ताकि उसके एक्सप्रेशन दिखाए हम। थोड़ा नीचे लेके आते हैं, वो मैंने कैमरा को की सेट नहीं की, एक्चुअली मैंने हेरॉन की सेट कर दी। सो यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, और अभी करना है मुझे थोड़ा पीछे नीचे, उसको सेंटर में लेके आऊँ। सो अभी क्या होगा, ये नारियल जो है ना वो गिरेंगे, सो वो वाला एनिमेशन करना है, तो हमें नारियल तो चाहिए, एक नारियल हम क्या करेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे, ये वाला ले लेते हैं, बाहर आते सभी तो सेम ही है वैसे, सबसे बाहर आते कैरेक्टर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं। सो नारियल गिरने का जो एनिमेशन है ये इसके बाद 50 से शुरू करते हैं हम लोग, इंसर्ट की फ्रेम, नारियल ऊपर से गिराना है, तो नारियल कहाँ पे गया, यहाँ पे देखिए ऊपर से गिर रहा है। सो गिर के दूसरी तरफ चला जाएगा, इंसर्ट की फ्रेम, और सिर्फ एक ही नारियल नहीं दिखाना है हमें, ज़्यादा नारियल दिखाना है, इंसर्ट की फ्रेम, क्लासिकल ट्विन, सॉरी ये शायद से ग्राफिक नहीं है, जैसे हम लोग ग्राफिक कर लेते पहले,
ग्राफिक कमांड मतलब कन्वर्ट टू सिंबल कर लेना पहले, कन्वर्ट टू सिंबल। इसका सेंटर जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ और ये ट्रांसफॉर्म टूल से यहाँ पे सेट कर देता हूँ पहले से ही। सो यहाँ से लेके मैं यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम करके देखिए 75 तक इंसर्ट की फ्रेम क्या करूँगा, क्लासिकल ट्विन और यहाँ से इसे ऐसे गिराऊंगा। उसके बाद पहले सेव कर लेता हूँ। इसे बाहर थोड़ा ग्राफिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत हेवी हो रहा है ना, इसलिए तो आउटपुट में तो दिखाई देगा ठीक ठाक, वैसे देख लेते एक बार। से गिर गया, नज़दीक आया, दिख रहा है, से ठीक ठाक दिख रहा है। तो बाकी का जो एनिमेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, बाय।